आप देख रहे हैं हिंदी खबर, मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। फेस टू फेस कार्यक्रम में आज हमारे साथ है पैरामाउंट ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन राजीव सौमित्र जी। सर स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम। जी थैंक यू। पैरामाउंट शुरू करने की प्रेरणा सर कहां से और कब मिली? जी जहां तक पैरामाउंट शुरू करने की प्रेरणा की बात है, चूंकि मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी था, मैं ज्योग्राफी का टीचर था, इसके अलावा चूंकि मुझे माउंटेन के शिखर पर चढ़ने का शुरू से ही शौक था, जब मैं पिताजी के स्कूल में पढ़ता था वहाँ छोटे छोटे हिल्स थे, उस दौरान मैं जो भी हिल्स थे उसके पीक पर पहुँचने की इच्छा रखता था। इसी से आया कि क्यों ना हम अपने इंस्टीट्यूट का नाम भी पैरामाउंट रखें, जिसका अर्थ होता है शिखर। शिखर का मतलब है एक मिशन, इसलिए बच्चों को भी हम यही बताते हैं कि आपका भी मिशन है एग्जाम क्वालिफाई करना। जी सर, पैरामाउंट का मतलब शिखर होता है, जिस तरह से आपने बताया, क्या मैसेज है इस शिखर से? शिखर से सीधा मैसेज है कि आप शिखर, जो आपका मिशन है, अगर हम शिखर तक पहुंचते हैं तो एक तरह से हम मिशन को सफल बनाते हैं, अपने मिशन को। उसी तरह से जो हमारे बच्चे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, उनका भी मिशन होता है एग्जाम क्वालिफाई करना, अर्थात शिखर तक पहुंचना। आप आईएएस बनना चाहते थे और हाल ही में आपने आईएएस फैक्ट्री शुरू की, कैसा रहा ये सफर? जी मैं आईएएस बनना चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी रही सब्जेक्ट सिलेक्शन में, मैं बन नहीं पाया, लेकिन मैं निराश नहीं हुआ। हमने सोचा कि अगर हम नहीं बने हैं तो बना तो सकते हैं, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी था, इसलिए हमने अभी हाल में पैरामाउंट कोचिंग के अलावा पैरामाउंट मिशन आईएएस की स्थापना की है, जो लगभग एक साल भी नहीं हुआ है अभी। सर, एवरेस्ट पर तिरंगा लहराने का विचार कैसे आया आपके मन में? जी एवरेस्ट पर तिरंगा, जाहिर सी बात है, एज ए माउंटेनियर, चूंकि ज्योग्राफी सब्जेक्ट था, नेचर के प्रति लगाव था और ऊंचाई पर पहुंचने की शुरू से ही इच्छा थी, इसलिए हमने चुना कि जो इस पृथ्वी की सर्वोच्च शिखर है माउंट एवरेस्ट, वहां पर हम पहुंचे। चूंकि हम भारतीय हैं तो जाहिर सी बात है मन में तो इच्छा रहेगी कि हम तिरंगा फहराएं, इसलिए हमने वहां पहुंचकर भारत का झंडा को, भारत के तिरंगे को फहराया। और इतना ही नहीं, आपने अपने पुत्र को भी एवरेस्ट पर जाने के लिए प्रोत्साहित किया है? अगर आप पूछेंगे तो प्रोत्साहित तो हमने नहीं किया था, क्योंकि जब मैं एवरेस्ट पर गया था उस समय उसकी उम्र थी 4 साल। वो क्या था कि वो हमारे एवरेस्ट पर जाने माउंटेनियरिंग के जितने भी गियर थे, जितने भी इक्विपमेंट्स थे, उससे वो खेलता था। धीरे धीरे, शायद चूंकि मेरा बेटा था, जीन हमारा ही था जी। इसलिए उसकी भिक्षा हुई कि हम माउंटेन पे जाएं, माउंटेन पे चढ़ें, एवरेस्ट पे चढ़ें, लेकिन छोटा बच्चा है, हम उसको एवरेस्ट पे चढ़ा नहीं सकते, इसलिए हम उसको बेस कैंप तक ले गए, जहां वो बड़ी कुशलता से बहुत कम समय में बेस कैंप पहुंच गया। एवरेस्ट पर चढ़ने के दौरान कई कठिनाइयां सामने आती हैं और अक्सर लोगों की मौत भी हो जाती है, लेकिन आपने ये सफर तय किया, ऊपर से कैसा दिखता है? जी आपने पूछा कि काफ़ी कठिनाइयां, सबसे बड़ी चीज़ है कि जब भी हम कोई कठिन काम करते हैं, जब भी कोई इस तरह के एडवेंचर में हम शामिल होते हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको अपनी क्षमता पे विश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और एक कहावत है कि डर के आगे जीत है। इसलिए जब भी आप कठिनाइयों को पार करते हैं तो एक खुशी मिलती है और आपका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ जाता है। जहाँ तक कुछ लोगों के मरने की बात है, तो हमने कई जगह लाशें देखी थी, हमारे सामने एक बांग्लादेशी की मौत हुई थी, हमें बहुत अफसोस हुआ। कई जगह तो ऐसा होता है कि तेज़ हवा में जैसे ही वो स्नो हटता है, किसी के ये फेस, किसी का पैर नजर आता है, तो बड़ा अफसोस होता है कि इस कठिन दौ कठिन चढ़ाई में बहुत सारे लोग शायद अपने साथ जबरदस्ती करते हैं, एक्लोमेटाइज नहीं हो पाते हैं, शायद ये सारी वजहें हैं उनके मौत। आपने बताया यात्रा काफी कठिन भी थी, लेकिन तमाम और भी कई लोग हैं जो यहाँ पर जाते हैं, कितना खर्चा यहाँ पर जाने में आता है? और अगर इसी से जुड़ा अगर मैं आपसे सवाल ये भी करूं, क्या आप अपने पुत्र को भी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने के लिए प्रेरित करेंगे? जहाँ तक खर्चे की बात है, तो खर्चे तो काफ़ी आते हैं जी। और मैं समझता हूँ कि लगभग 25 लाख के आसपास, इंडियन करेंसी में 25 लाख रुपए के आसपास खर्चा आता है। और जहाँ तक बच्चे की बात है, तो उस पर हम कोई प्रेशर तो नहीं बना सकते, अगर उसमें इंटरेस्ट है, चूँकि मैं पिता हूँ, मैं गाइड भी हूँ, तो शायद उसको हम इसमें, इसके लिए आगे बढ़ने के लिए, माउंट एवरेस्ट पर जाने के लिए हम उसको प्रोत्साहित तब करेंगे जब खुद उसमें इच्छा हो जाएगी। सर अगर वहीं राजीव जी बात की जाए, कुछ लोग जिस तरह से हमने बताया कि मर भी जाते हैं इस यात्रा के दौरान, तो उनकी डेड बॉडी को किस तरह से वापस लेकर आया जाता है, क्या कुछ कदम वहां उठाए जाते हैं? उनकी डेड बॉडी को लाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आप इंश्योरेंस कराते हैं
करीब खर्चा तो आ जाता है, अगर इंडियन करेंसी की बात करें, इंडियन करेंसी में बात करें, तो लगभग 35 से 40 लाख रुपए उनके बॉडी को लाने में खर्चे आते हैं। ये खर्चे अगर जैसे कि वो हिलेरियस स्टेप हुआ, बालकनी हुआ, वहाँ मौत होती है, तो अगर नीचे मौत होती है खुम्भू ग्लेशियर में, तो वहाँ से तो कम खर्चे आते हैं जी। कई डेड बॉडी तो आज भी वहीं पड़ी हुई है, कई बार हमें ऐसा नजर आया है जी। सर, गांधी जी ने कहा था एजुकेशन इज वन टाइम इन्वेस्टमेंट टू बिल्ड ऑफ सोसाइटी, इसे कहां तक आप आगे बढ़ा पाए जी? मैं समझता हूं कि जो आपने कहा, गांधी जी ने कहा था, मैं पूरी तरह तो अभी सफल नहीं हुआ हूं, लेकिन हां, इस एजुकेशन के अलावा हमने श्रद्धांजलि कार्यक्रम चलाया, जिसमें कि मिलिट्री, पैरामिलिट्री और पुलिस के जो शहीद जवान हैं उनके बच्चों को हम फ्री में शिक्षा देते हैं, यहाँ तक कि दिल्ली में उनको हम रखते भी हैं, उनका उनके लिए आवास सुविधा भी बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा ब्लाइंड के लिए, जो कि वंचित हैं, नेत्रहीन हैं, उनके लिए भी हमने फ्री शिक्षा की शुरुआत की है, और भी कई काम हम समाज में कर रहे हैं जी। बिल्कुल सर, बेहद सराहनीय प्रयास है ये आपका। सर, आप सरकारी नौकरी पाने के लिए बच्चों को क्या स्ट्रेटेजी यहाँ सिखाते हैं? जी, सरकारी नौकरी के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपके जिस एग्ज़ाम में आप बैठ रहे हैं, जिसमें बैठना चाहते हैं जी, उसके विषय में पूरा पता होना चाहिए, उसका सिलेबस क्या है, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसके अलावा आपकी स्ट्रेटजी क्या है, आपका ओरिएंटेशन क्या हो, इधर उधर भटकने की ज़रूरत है। आमतौर पे क्या होता है कि जो बच्चे हैं, छात्र हैं, वो इधर उधर की चीज़ें ज़्यादा पढ़ लेते हैं, परिणाम स्वरूप एग्ज़ाम पे फोकस कम होता है। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि एक सही स्ट्रेटजी, सही अप्रोच से हम उसको बेहतर शिक्षा दें, ताकि वो कम मेहनत में एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सके। सर, कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं जो सरकारी सेवा में नहीं जा पाते, क्या मंत्र उनको आप देंगे? सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर वो सरकारी सेवा में नहीं गए हैं, तो कहीं से भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनकी उनमें क्षमता है, तो वो कुछ और काम भी कर सकते हैं, कोई और जॉब में जा सकते हैं। एक चीनी कहावत है कि अपने पैर सलामत हैं तो जूते हजार मिलेंगे। इसलिए आप अगर डिजर्व करते हैं, तो सरकारी नौकरी में ना भी गए, तो शायद हो सकता है कि उससे भी बेहतर काम आपको आपको मिले और आप उसे कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको अपने आप पर विश्वास हो। राजीव जी, शहीद परिवारों के लिए भी कई कार्यक्रम चलाते हैं आप, क्या है ये कार्यक्रम? ये कार्यक्रम जब हमने देखा था कि सियाचिन ग्लेशियर में एवलांच हुआ, स्नो स्टॉर्म आए, उसमें हमारे देश के जवान कई दब गए जी, उसी दौरान मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना हम जो शहीद जवान हैं, उनके बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं, वो जवान तो गुजर गया इस दुनिया से देश की रक्षा करते करते, तो क्यों ना हम एक ऐसा कार्यक्रम चलाएं जिसमें कि उनके बच्चों को सरकारी नौकरी में भेजने के लिए एक बेहतर मार्गदर्शन कर सकें। इसलिए हमने अपने भारत में जितने भी हमारे ब्रांचेज हैं, उसमें हमने ये किया कि जो बच्चे शहीद परिवार से होंगे, चाहे वो मिलिट्री हो, पैरामिलिट्री हो, या हमारे देश के पुलिस के जवान के बच्चे, वे सभी फ्री शिक्षा लेंगे, उनको मार्गदर्शन पूरी तरह से फ्री। अगर वो दिल्ली आते हैं, तो उनके लिए रहने की व्यवस्था भी हमारी प्रॉपर्टी में पूरी तरह से फ्री। राजीव जी, विवेकानंद जी की किस बात ने सबसे ज्यादा प्रभाव आप पर डाला है? जी, उनका यह कहना था कि बच्चों को, छात्रों को प्रवचन सुनने के बजाय फुटबॉल मैच खेलना चाहिए। अगर हम फुटबॉल मैच की बात करते हैं, तो आप जानते हैं कि इस मैच में जितना हम बेहतर तरीके से एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करें, कोऑर्डिनेशन जितना बेहतर होता है, गोल उतने ज़्यादा होते हैं। तो जिंदगी में आपस में टीम के बीच कहीं भी कोऑर्डिनेशन जितना बेहतर होगा, आप अपने मिशन को सफल बना सकते हैं। इसलिए इंसान को प्रैक्टिकल होना चाहिए। सर, आप माउंट एवरेस्ट पर गए, ये यात्रा आपकी कैसी थी, कितनी कठिनाइयाँ आपके सामने आई, विस्तार से बताइए। जी, जहाँ तक माउंट एवरेस्ट की बात है, कठिनाइयों की बात है, तो वैसे भी मुझे डर तो नहीं लगता, क्योंकि अपने आप पर पूरा विश्वास है कि हमें स्टेमिना भी ज़्यादा है, और एक जो कहते हैं कि डर के आगे जीत है, उस जीत के पास जब हम पहुँचते हैं, तो जाहिर से बात है कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाता है। इस दौरान जब हम पिक पर पहुँचे थे, माउंट एवरेस्ट के पिक पर, तो हमने, चूँकि मैं भारतीय हूँ, भारतीय संस्कृति से प्रभावित हूँ, इसलिए मैं पिक पर पहुँचते ही सबसे पहले प्रणाम किया, उनसे आशीर्वाद मांगा कि मैं सुख सकुशल वापस लौट जाऊँ, और जब ऊपर से नीचे देखा तो नीचे क्लाउड्स थे, बहुत सारे पीक नीचे थे, तो एक अलग जो एक्सपीरियंस होता है वो होता है, और जीत की खुशी होती है, शायद उसे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है जी।
सर, ये सवाल मैंने आपसे इसलिए किया क्योंकि अक्सर छात्र जो हैं, आप उन्हें शिक्षित करते हैं, आप उन्हें पढ़ाते हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि जो उनका शिक्षक होता है उनकी जो स्टोरी होती है कहीं ना कहीं उनके लिए वो मोटिवेशनल स्टोरी बन जाती है, एक सीख उनके लिए बन जाती है, क्योंकि जितना परिश्रम आपने किया, जितनी मेहनत आपने की, कहीं ना कहीं अगर आपके छात्र उसे देखेंगे तो उनके लिए भी वो एक मोटिवेशनल स्टोरी का काम करेगी। जी बिल्कुल सही बात है कि अगर टीचर्स के कुछ काम ऐसे हों, कुछ एग्जाम्पल हों, कुछ जैसे कि शिखर तक पहुंचना है तो जाहिर सी बात है ये एक मिशन है। शिखर तक पहुंचते हैं उसमें भी हमारी स्ट्रैटेजी होती है, हमारी एक सोच होती है, पॉजिटिव सोच, तब हम पहुंचते हैं। एग्ज़ाम भी उसी तरह से है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम खासकर, अगर आपकी सोच पॉजिटिव हो, स्ट्रैटेजी रणनीति सही हो, तो जाहिर सी बात है हम कम मेहनत में एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। सर, यहाँ हम पूरी अगर पैरामाउंट टीम की बात की जाए तो पैरामाउंट की टीम की कितनी भूमिका है इसमें और किस तरह की आपकी टीम है? जी, वो एक कहावत है कि अकेला चना बाहर नहीं फोड़ता। मैं अकेले भी कुछ नहीं कर सकता, हम स्ट्रैटेजी तो बना सकते हैं लेकिन इसको लागू करने के लिए टीम की जरूरत होती है। आप टीम के बीच जितना कोऑर्डिनेशन होगा काम उतना बेहतर होगा, इससे टीम की बहुत बड़ी भूमिका है क्योंकि उसके बिना हम आगे नहीं चल सकते, इतने बड़े इंस्टीट्यूट को हम आगे नहीं बढ़ा सकते बिना टीम के। सर, आप इतना बड़ा इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, पैरामाउंट का नाम काफी मशहूर है, अब अगर छात्रों की बात की जाए हर किसी को पैरामाउंट के बारे में जानकारी होती है, इतने सारे छात्र यहाँ पढ़ने आते हैं, किस तरह से मैनेज कर पाते हैं? हर एक छात्र पे पूरा फोकस करना काफी मुश्किल हो जाता होगा। जी, अभी हमारे यहाँ करीब इनको मैनेज करने के लिए बहुत सारे क्लासरूम्स हैं, हमारे यहाँ टीचर्स और स्टाफ को अगर शामिल कर दें तो लगभग 1500 हैं, इससे हम मैनेज करते हैं। खासकर जब दिल्ली में छात्रों की भीड़ आती है तो कई बार हमें पुलिस को भी फ़ोन करना पड़ता है उनको कंट्रोल करने के लिए। कंट्रोल करने के लिए हमारे पास और भी लोग हैं, अपने आदमी भी होते हैं, तो चूँकि भीड़ ज़्यादा आती है। इसके अलावा जहाँ तक क्लासेस की बात है, बच्चों की संख्या बढ़ जाती है तो उसको हम दूसरे बैच में लेते हैं, प्रोजेक्टर से पढ़ाते हैं, कई और चीज़ें हैं जिससे कि हम बच्चों को मैनेज करते हैं। यहाँ तक कि हम हर संडे को मॉक टेस्ट लेते हैं ताकि बच्चे जब एग्जामिनेशन हॉल में जाएं तो कहीं भी उनको कुछ नया ना लगे, कोई घबराहट ना आए, इसलिए उसी माहौल में हम हर संडे को मॉक टेस्ट लेते हैं जिसमें कि उनके कितने मार्क्स आए, इससे उनको एक अंदाज हो जाता है कि अभी वो कितने पानी में है। सर, अगर आपकी लाइफ के बारे में, अब यहाँ हमने काफी कुछ बात की, देखा जाए तो आप माउंट एवरेस्ट पर भी चढ़े, अब आप एक पैरामाउंट नाम का एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं जो काफी मशहूर है, वहीं आपने आईएएस बनने की चाहत भी रखी, इस बीच आप कई कार्यक्रम ऐसे गरीब परिवारों या शहीद परिवारों के लिए भी आयोजित करते हैं, किस तरह से इतना सब कुछ अपनी लाइफ में आप कर लेते हैं, कहाँ से इसकी इंस्पिरेशन मिल पाती है? जी, मैंने यही सीखा है, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है, समाज में आपका एक पोजिशन हो, इसके लिए ज़रूरी है कि आप दूसरे को देना सीखें। जब हम दूसरे को देंगे, दूसरे के लिए करेंगे, तो शायद ऊपर वाला आपको बहुत सपोर्ट करता है। इसलिए मैं हमेशा यही रखता हूँ कि मैं अधिक से अधिक बच्चों को दूँ, जो गरीब परिवार है उनको हम मैक्सिमम दे सकें, या जो बच्चे हमारे यहाँ क्लासेस में आते हैं हम मैक्सिमम देने की कोशिश करते हैं ताकि वो एग्ज़ाम में क्वालिफाई करें। इसका रिजल्ट ये होता है कि वो अधिक से अधिक संख्या में क्वालिफाई करते हैं, परिणामस्वरूप हमारे बच्चों की भीड़ लग जाती है। जी सर, यहाँ छात्रों के लिए कोई अचूक मंत्र, कोई ऐसा फॉर्मूला जिससे वो अपना भविष्य संवार सकें और पढ़ाई में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर सकें? मंत्र तो सबसे बड़ा है कि अपने आप पर विश्वास रखें, सोच को पॉजिटिव रखें, एक सही स्ट्रेटजी बनाकर आगे बढ़ें, एग्ज़ाम ज़रूर क्वालिफाई करेंगे, बाकी कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है कि हम कहीं किसी चैप्टर से थोड़ा कम पढ़ें, उससे काम नहीं चलेगा। सोच पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव सोचेंगे तो जाहिर सी बात है ऊपर वाला भी आपको सपोर्ट करेगा। तो अगर वहीं कोर्सेज की बात की जाए तो काफी बड़ा कोर्स होता है, काफी कुछ पढ़ाना बच्चों को होता है, तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी यहाँ रहती है? कोर्स कंप्लीट करवाने की के बाद क्या रिवीजन भी बच्चों को कराई जाती है जिसके लिए वो बेहतर प्रदर्शन यहाँ टेस्ट में कर सके? जहाँ तक रिवीजन की बात है तो कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी हम कुछ क्लासेस अपने बच्चों को फ्री में देते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ये हम फ्री में एक फ्री क्लासेस फिर से चलाते हैं ताकि बच्चे अपने जो उनका जो सिलेबस है उसको एक बार फिर से दोहरा सके, रिवाइज कर सके। दो चीजें हम हमेशा फ्री में देते हैं अपने बच्चों को। बिल्कुल जी सर, वहीं अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य और शिक्षा में जीएसटी नहीं लगा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं और कोचिंग को इससे और किस तरह से बेहतर कर सकते हैं? अगर जीएसटी नहीं लगा तो अच्छी बात है,
और जहाँ तक बात है बेहतर करने की, अगर हमारे बच्चों से जो हम फीस लेते हैं उस फीस में हम काम ज़्यादातर उन्हीं के लिए करते हैं, जैसे बेहतर करने के लिए हम लाइब्रेरी को बढ़ावा देते हैं, उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट के लिए हम अपने यहाँ कराते हैं, इसके अलावा भी हम फिजिकल ट्रेनिंग टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए भी ट्रेनिंग देते हैं, जो हमारे फिजिकल के जो एक्सपर्ट हैं वो इसके लिए काम करते हैं, ताकि बच्चों को मैक्सिमम जो प्रॉब्लम है उसका शॉर्ट आउट हमारे इंस्टीट्यूट में हो जाए। जी सर, जिस तरह से आपने बताया पूरी टीम का आपका सहयोग रहता है छात्र को पढ़ाने में, उनका भविष्य उज्जवल करने के लिए, तो सर क्या आप भी कभी कोई गेस्ट लेक्चर यहाँ छात्रों को देते हैं, क्या आप भी उन्हें कभी मोटिवेशनल क्लासेस देते हैं? जी बिल्कुल देते हैं। वैसे मैं भूगोल विषय ज्योग्राफी का टीचर हूँ, पहले तो मैं क्लास लेता था, ज़्यादातर क्लासेस मैं लिया करता था, लेकिन अब क्या है कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आप एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं कम मेहनत में कम समय में, इसलिए हम कई बार सेमिनार आयोजित करते हैं, सारे ब्रांचेस में सेमिनार आयोजित करते हैं, उसमें हम जाते हैं, हमारे और भी एक्सपर्ट्स जाते हैं और बच्चों को ये बताते हैं कि कम मेहनत में एक बेहतर सोच रखते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो सफलता आपको मिलेगी, बशर्ते कि आपकी स्ट्रैटेजी सही हो। कितने समय में ये सेमिनार आयोजित की जाती हैं जिससे छात्रों को भी इंस्पायर किया जा सके? जब भी वैकेंसीज आते हैं तो हम सारे ब्रांच में प्लान बनाकर जाते हैं, लगभग 3 घंटे तक हम लोग क्लास में होते हैं, बच्चों की भीड़ ज़्यादा होती है जी। और उनको ये बताते हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या हो, आप किस तरह से एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं, खासतौर पे स्ट्रैटेजी, हमारा ओरिएंटेशन, हमारा अप्रोच क्या हो, ताकि आप एग्ज़ाम को निश्चित रूप से क्वालिफाई कर सकें जी। सर बिल्कुल, आपने जिस तरह से अपनी टीम के बारे में भी बताया, बेहतर ही शिक्षक यहाँ आप अपने छात्रों के लिए भी रखते होंगे ताकि छात्रों का भविष्य जो है वो उज्जवल हो पाए, तो सर अगर यहाँ पे शिक्षकों की बात की जाए तो उनको किस तरह से चुना जाता है, क्या उनकी क्वालिफिकेशन देख के या फिर उनकी योग्यता, क्या कुछ आप एक शिक्षक में देखते हैं अपने छात्रों को पढ़ाने के लिए? क्योंकि मैं खुद शिक्षक हूँ, इसलिए जब भी हम शिक्षकों को नियुक्त करते हैं उससे पहले हम देखते हैं कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, लेकिन उससे ज़्यादा उनमें टैलेंट कितना है, क्या उनका ओरिएंटेशन एग्जाम का है, तो सबसे पहले तो हम उनका एक डेमो क्लास लेते हैं। डेमो क्लास के बाद हमारे जो पैनल में होते हैं और भी शिक्षक, वो उनको सेलेक्ट करते हैं और फिर उनके बाद उसके बाद फिर उनको एक छोटा सा ट्रेनिंग कार्यक्रम चलाते हैं, उसके बाद हम उनको क्लास में भेजते हैं, इसलिए टैलेंट का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। सर अक्सर बच्चे असफल होकर डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्या मार्गदर्शन आप उन बच्चों का करेंगे? देखिए एक चीज़ है कि डिप्रेशन में जाते हैं, एक सोच हमेशा रखनी चाहिए, एक तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए और हमेशा एक बात जरूर सोचना चाहिए कि अगर एग्जाम में हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो शायद और अच्छी बात है, ऐसा भी हो सकता है कि उसके लिए कोई बेहतर काम भी हो जो वो भली भांति कर सकते हैं, इसलिए निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी सच्चाई के साथ, पूरी नेक नियति के साथ, नेक नियति के साथ अगर आप किसी भी काम को हाथ में लेंगे तो बेशक उसको बेहतर कर सकते हैं, इसलिए निराश नहीं ना होने की ज़रूरत है, आपको एक पॉजिटिव सोच के साथ दूसरे काम में लग जाने की ज़रूरत है। सर यहाँ पर युवाओं के लिए दिनकर जी की उन पंक्तियों को याद दिलाने का समय है जो कुछ इस तरह से थी कि पत्थर सी हो मांसपेशियां, लोहे से भुजदंड अभय, नस नस से हो लहर आग की, तभी जवानी पाती जाए। बिल्कुल सही बात है कि आपको स्वस्थ होना जरूरी है, क्योंकि शरीर स्वस्थ है तो उसमें मन भी स्वस्थ रहेगा, आप बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं, हमारे युवाओं को हमेशा स्वस्थ रहना चाहिए, उनके खान पान, उनकी सोच हमेशा अगर बेहतर हो तो जाहिर सी बात है वो एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। चलिए राजीव सौमित्र जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे स्टूडियो में आए, पैरामाउंट को शिखर पर इसी तरह से ले जाते रहिए और बच्चों को बेहतर भविष्य देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। थैंक यू, आपका भी धन्यवाद। थैंक यू। हमारे राष्ट्रकवि दिनकर ने कहा है, खमठोक खेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव खर, मानव जब जोर लगाता है पर्वत पानी हो जाता है। हमारे श्री राजीव सौमित्र सर एक पर्वतारोही तो हैं, उनके इरादे भी पर्वत की तरह अटल हैं, इसलिए सफलता आज उनके कदम चूम गई। राजीव के लिए सफलता का जो अर्थ है वो ऑनेस्टी, कमिटमेंट, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन है और शायद यही उन्होंने हम लगभग सभी लोगों को टीम वर्क के आधार पर सिखलाने की कोशिश की और यही कारण है कि हम सभी आज उनके साथ मिलकर पैरामाउंट को इस स्तर तक ला पाने में सफल हुए हैं।
मैं राजीव जी के बारे में जितना भी कहूँ वो कम पड़ेगा। कारण ये है कि उनमें इतनी क्षमता है धैर्य रखने की कि मैं हतप्रभ हो जाता हूँ कभी कभी। मैं कई ऐसे उनके इश्यूज देखे हैं जिसमें मैंने उनके धैर्य को देखा है, और यही धैर्य और अटल विश्वास आज उनको शिखर पे लेके गया है। और हम सभी उनको फॉलो भी करते हैं कभी कभी कि भाई इनसे हम सीखें और हमें भी जीवन में आगे बढ़ने का बहुत सारा उनसे प्रेरणा मिला है। थैंक यू। ये मेरे बहुत अच्छे और सच्चे मित्र हैं, और एक ख़ास बात मैं पूरी दुनिया को इनके बारे में बताना चाहता हूँ, वो ये है कि जो लोग भाग्य के भरोसे रहते हैं, इन्होंने एक साबित कर दिया है कि अपने आत्मविश्वास और विल पावर से इन्होंने हाथ की टेढ़ी मेढ़ी लकीर को भी इन्होंने सीधा कर दिया। हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां महिलाओं पर कम भरोसा किया जाता है और उन्हें बहुत कम जिम्मेदारी दी जाती है, बट हमारे एमडी सर ने, राजीव सर ने हम सब महिलाओं पर बहुत भरोसा किया और हमें नए एरियाज और नई अपॉर्चुनिटीज दी। यही कारण है कि हम सब बहुत बेहतर करके दिखा रहे हैं।